तो इसके बीच में गैप होता है, अभी देखना आप। और एलपीजी ठंडी गैस होती है, पहली चीज को टच करके देख लो आप, आ जाओ पास में, आ जाओ फटाफट, टच करो इसे, ठंडी गैस है, आ जाओ देखो और आ जाओ फटाफट, ठंडी गैस है। देखो बच्चों इसके बीच में हमेशा गैप है, ये देखो है, हाथ जला गया मेरा, गैप होता क्योंकि इतना गैप गैस निकलती, हमेशा कभी भी सिलेंडर में आग नहीं लगती है, गैस पे आग लगती है। और इसे बुझाने का तरीका ये है, देखो इसे हम अपने से, ठीक है बच्चों, हमने क्या किया इसे आसानी से बुझा लिया, ठीक है। इसकी हमने क्या किया, ऑक्सीजन कट दी, इनकेस इस तरह की पूरी इसमें लगता रहे या ऐसे लग जाए तब अब क्या करोगे, ऑक्सीजन कट करवाना होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस। अब इस पे लग जाए तो उसे नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। ये सबसे लास्ट प्रोसेस जब अपने पास कोई चारा नहीं बचेगा तब इस पे हम लगाएंगे, क्योंकि इधर यदि कुछ गड़बड़ किया तो नहीं बचेंगे हम भी, ठीक है। पर ऐसे पढ़ना भी क्योंकि ये खाली है, चिंता मत करो, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई बेटा। दूसरी चीज, सिलेंडर कब फटता है, कंडीशन कैसी होती है, जब देखते ना सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कैसे ब्लास्ट हुआ, इसके पहले आसपास तो चीजें, ये कभी ब्लास्ट नहीं होता, पहली चीज ये, क्योंकि इसमें आग भी लगेगी तो इसके अंदर सबसे पहली चीज रबड़ होती है। जब भी सिलेंडर घर पे आता है ना तो कैसे चेक करते हैं, सीधा सा पानी ले लो, है ना, इसकी सील खोलो और इस पे डाल दो, लीकेज है तो वो बबल्स निकलेंगे, और यदि सही है तो नॉर्मल ऐसे रहेगा, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ कोई बबल्स नहीं है। यदि बबल्स है तो आप उस सिलेंडर को यूज मत करो, मतलब लीक है, इसके अंदर एक रबर होती है, सागरी लोगों ने देखा वो रबर मेल, वो जब जल जाता है लास्ट में, लास्ट स्टेज में, तब उसके बाद अंदर सीधा गैस ले आती है और लास्ट टाइम हो जाता है। आसपास क्या होता है, सिलेंडर जब भी हम घर पर रखते हैं अपने किचन में तो सामान काफी रहता है, कहीं सब्जी रखी हुई है, कभी गैस या अदर चीजें रखी हुई है, राशन रखा हुआ है, आलू दाल चावल भी रखे रहते हैं, वो चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पाइप में आग लगी, चलो जैसे चूल्हे में आग लगी तो उसके आसपास सामान रखा था, वो कूलर जल गया, तो उसकी वजह से ये हीट होता है बाहर से, फिर ये फटने की कंडीशन में आ जाता है, तब फटता है, ठीक है बच्चों। और यदि एक बार कभी भी लीकेज हो तो आप उसे यूज मत करो, उसे हटा दो आप, ठीक है, लाओ अब पानी दो, एक एक कूड़े कूड़ा रखना, कूड़े चल के पूरा पूरा अच्छे से जल्दी जल्दी नहीं कर पाया था सर, मैं जाऊँ जाओ दस नहीं जा, गैप देखना था, गैप देखो पहले, ये देखो गैप, चलो पूरा रखो अच्छे से, पूरा पूरा जल चेगा, एक गल्स आ जाए कोई, क्योंकि सबसे ज्यादा खाना आप लोग बनाते पूरा, देखो गैस अच्छे से पूरा आता है, पूरा उंगली पूरा उंगली, ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ वाटर का करते, अब चलो हाँ ठीक है ठीक है, चलो इसमें पानी डाल के देखते, पानी के अंदर जलेगा कुछ नहीं, चलेगा नहीं इसके अंदर से पानी जलेगा, ये हो रहा है क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा ना, नहीं बुझेगा क्या, नहीं बुझेगा, चलो हट गया, कोई मतलब नहीं ना, पानी काम किया क्या, इसमें नहीं बालू भी लाओ, गंदा करवा दोगे तुम लोग, साफ सफाई कर देंगे ना, डालते रहो कितना भी, या सीधा इस पे भी डाल दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें क्या नहीं ना, तो सीधा सीधा इसके लिए यही ऑप्शन बस है, ठीक है बच्चों, क्लियर, अच्छा और कुछ नहीं, ठीक है, तो कोशिश करो सिलेंडर के आसपास कोई ज्यादा चीजें नहीं हैं घर पर आपके, है ना, और इसको कैसे बुझा सकते हैं, क्योंकि मम्मी लोग तो नहीं कर पाएंगे, तुम वो कर सकते हो, तो एक CO2 एक्सटेंशन आता है, फायर एक्सटेंशन, ठंडा होता है एकदम, एकदम ठंडी गैस होती है उसको, CO2 बहुत ठंडी, इससे भी ज्यादा ठंडी गैस होती है, इनके स्किन साफ है ना, उसके ऊपर वो एक्सटेंशन यूज कर दो, पकड़ जाएगा वहीं खड़ा रहेगा, वो ये नहीं सकता फिर,
है ना, तो इसलिए वो यूज किया जाता है, उससे ये आग बुझ सकती है। बाकी अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लग गया था उसमें आप सीओ भी यूज कर सकते हो, कंप्यूटर पे आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो आप सीओ भी यूज करोगे।